पहला क्वेश्चन है ये डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड है, है ना। तो देखेंगे मैंने यहाँ पर एक सर्किट बनाया है जिसमें कि एक रेजिस्टेंस है 10/6 ओम का, एक बैटरी है 2 वोल्ट का, इसमें एक कैपेसिटर है 1 नैनो फैराड का, है ना, एक स्विच है। कहा गया कि जो स्विच है वो t=0 पर क्लोज कर दिया गया, तो क्लोज करने से इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, है ना। अब यहां पर जो कैपेसिटर है वो उसके प्लेट जो है सर्कुलर शेप के हैं, जिसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ प्लेट्स है 1 मीटर। कहा गया है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी हाफ वे बिटवीन सेंटर एंड पेरिफेरी ऑफ प्लेट्स एट t=10^-3 सेकेंड्स, है ना। तो देखेंगे कि यहां पर ये जैसे ये सेंटर हो गया, बिल्कुल बीच में है ये, है ना। तो यहां से आधा डिस्टेंस इधर जाएंगे, अगर मैं कहूं कि यहां से पेरिफेरी यहां पर पड़ेगा, तो पेरिफेरी और सेंटर के बीच बिल्कुल यहां पर, मतलब ये रेडियस जो है 1 मीटर दिया हुआ है, तो पॉइंट पी और ओ के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये आधा मीटर होगा, है ना, 1/2 मीटर। तो इस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जैसा कि पहले मैंने बताया है कि जो एम्पियर मैक्सवेल लॉ है वो बताता है B.dl का इंटीग्रल =μ0 IC μ0 ID। तो इसके अंदर जो है कोई भी कंडक्शन करंट नहीं है, ये वाला पोर्शन जो है वो जीरो है, है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट है तो इसकी वैल्यू हमें पहले पता करनी पड़ेगी। अगर मैं यहां पर एक सर्कुलर लूप ले लेता हूं, है ना, इस पॉइंट पर निकालना है, तो इसको सेंटर मान करके एक सर्कुलर लूप बनाता हूं, तो उस लूप का जो रेडियस होगा वो 1/2 मीटर का होगा, और उस पूरे लूप के हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू बराबर होगी, तो B × 2πr, r की वैल्यू यहां पर 1/2 लिखेंगे, ये जीरो हो गया है, μ0 × डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू मैंने बताया था वो ये आया था ε₀ d φe/dt। जब चार्जिंग हो रहा हो किसी कैपेसिटर का, तो हमें पता है कि जो चार्ज होता है ये होता है C × E1−e−t/RC, ये होता है। तो यहां पर अगर हम देखें कि ये जो मैंने लूप लिया है, इस लूप से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो फाई ई की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हमें निकालना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ द लूप। तो लूप का जो एरिया आएगा यह आएगा π × रेडियस का स्क्वायर। इस लूप का जो रेडियस है 1/2 मीटर है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये होता है q/ε₀ × एरिया। एरिया किसका होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पूरे प्लेट का एरिया लिया जाता है यहां पर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया (π×1/4), तो q/ε₀ और एरिया जो है ये प्लेट का एरिया लेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ये होगा π×1² × π/4। तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया q/4ε₀। अगर फ्लक्स जो है वो इतना है तो हम लोगों को निकालना है d φe/dt, है ना। तो d φe/dt निकालेंगे तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ये आएगा 1/4ε₀ × dq/dt। तो 1/4ε₀ × q का जो एक्सप्रेशन है वो ये है, है ना, q का एक्सप्रेशन ये है। तो जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा C × E1 का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, है ना, e−t/RC × 1/RC। तो ये C और ये C कैंसिल हो गया, है ना। तो d φe/dt का जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा यहां से e/4r ε₀ × e−t/RC, ठीक।
तो यहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट निकल जाएगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया बी इंटू टू और टू कैंसिल पाई म्यू नॉट, आईडी की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी का वैल्यू यहां से रखेंगे ई डिवाइडेड बाई फोर आर एप्सिलॉन नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी, है ना। तो यहां से देखेंगे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो बी का जो वैल्यू आया ये हो गया म्यू नॉट इंटू ई डिवाइडेड बाई फोर पाई आर इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी, है ना। तो देखेंगे कि यहां पर जो टाइम दिया हुआ, जिस टाइम पर पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड, वो टाइम टी है 10^-3, और ये जो आर सी है जिसको हम लोग टाइम कांस्टेंट कहते हैं आर इंटू सी, आर का वैल्यू है 10^6 और सी है 10^-9, ये भी 10^-3 ही आएगा, ये भी 10^-3, ये भी 10^-3, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो फाइनली रह जाएगा म्यू नॉट ई फोर पाई आर इंटू वन बाई ई, ये वन हो गया ई पावर माइनस वन, इसको वन बाई ई लिख सकते हैं, है ना। अब जो है हम लोग इनकी वैल्यू रख सकते हैं 4π × 10^-7। ये जो ईएमएफ है ये 2 वोल्ट दिया हुआ है, 4π, आर जो है आर की वैल्यू यहां पर देखेंगे दिया गया है 10^6, है ना, ये दिया है, तो 4π कैंसिल हो गया, है ना। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.74 × 10^-13 टेस्ला, ठीक। इसके बाद हम लोग कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, जिसमें से ये वाला जो एग्जांपल है इसमें कहा गया है अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 MHz ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 6.3 वोल्ट मीटर इन वाई डायरेक्शन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोग मैक्सवेल का जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे, बी इज इक्वल टू ई बाई सी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर दिया गया है 6.3 और C का जो वैल्यू है यानी स्पीड ऑफ लाइट ये होता है 3 × 10^8, दोनों एसआई यूनिट में है, तो यहां से ये वैल्यू आएगा 2.1 × 10^-8 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आ गया, और अब जो है हमें इसका डायरेक्शन भी पता करना है। डायरेक्शन पता करने के लिए देख सकते हैं कि चूंकि वेव जो है एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन नहीं होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो है या तो वाई डायरेक्शन में हो सकता है या जे डायरेक्शन में हो सकता है। वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है जे डायरेक्शन में होना चाहिए। उसको चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे ई क्रॉस बी ये होना चाहिए जिधर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रहा है, जो कि एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन है ये आना चाहिए आई कैप, है ना, कुछ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन आई कैप आएगा एक्स डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई डायरेक्शन में दिया हुआ है, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मैं के कैप रख देता हूं जे डायरेक्शन में, तब ये आई कैप आएगा, क्योंकि जे क्रॉस के आई आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जेड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अब मैं कह सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड है 2.1 × 10^-8 टेस्ला, और इसका जो डायरेक्शन है वो जे डायरेक्शन यानी के कैप में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। इस एग्जांपल में कहा गया है द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, ये दिया गया है बी वाई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। और यहां पर देखेंगे एक्स दिया हुआ है, यानी ये जो वेव है ये एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्स वाई प्लेन में वाइब्रेट कर रहा होगा कहीं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन है वो दिया गया है, ये एक्चुअली में बी नॉट होगा, इसका पीक वैल्यू साइन ये होता है के एक्स ओमेगा इंटू टी टेस्ला, देन
फाइंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो हमें पता है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखूंगा तो यह आएगा बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, और इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखूंगा तो ये जेड डायरेक्शन में कुछ आना चाहिए, इसको लिखा जा सकता है ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, है ना। मतलब कि जो लाइट वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है वो दोनों के लिए सेम रहता है, बस इनकी पीक वैल्यू जो है वो डिफरेंट आएगी, है ना। तो अब हम लोग यहां से ये कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू जो है इतनी आएगी, ओमेगा जो है ये आ गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, है ना। तो ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ये होता है 1.5 इंटू 10 पावर 11। तो यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 23.9 गीगा हर्ट्ज, ये हो जाएगा। अगर वेवलेंथ निकालना हो तो देखेंगे कि ये जो है ये एक्चुअली में वेव नंबर के इक्वल होना चाहिए, तो k इज इक्वल टू 2π/λ, ये होना चाहिए यहां से 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3, है ना, ये k हो गया। यहां से लैम्डा की वैल्यू आप निकालेंगे, ये आएगा 1.26 सेंटीमीटर, ठीक। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकालना है जैसा कि क्वेश्चन के पार्ट सेकंड में पूछा गया है, तो हमें सिर्फ ई नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बाकी ये वाला जो पोर्शन है दोनों में बराबर है। तो ये कैसे निकालेंगे, फिर से ये मैक्सवेल का जो इक्वेशन है इसको यूज करेंगे, बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय सी होता है, है ना, यानी कि जो ई नॉट होगा ये होना चाहिए बी नॉट इंटू सी। तो बी नॉट का वैल्यू है यहां से 2 × 10⁻⁷, सी होता है 3 × 10⁸, है ना। तो ये जो है ये आ जाएगा 60 V/m, यानी कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का अब इक्वेशन लिखना हो ई जेड, तो ई नॉट की जो वैल्यू है मैं रखूंगा 60 साइन, और बाकी ये वाला जो पार्ट है वो सीधे यहां से हम लोग उठाकर रख सकते हैं, यानी कि 0.5 × 10⁻³ x प्लस 1.5 × 10⁻¹ इंटू टी, है ना। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, अब देखेंगे ये जो एग्जांपल है इसमें कहा गया है लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 W/cm². वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हुआ एक तरह से ये इंटेंसिटी दिया हुआ है, है ना, इंटेंसिटी ऑफ वेव फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस इफ द सरफेस हैज एन एरिया ऑफ 20 cm², फाइंड एवरेज फोर्स एग्जर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग 30 मिनट टाइम स्पैन। तो एवरेज फोर्स निकालने का फॉर्मूला जो है मैंने बताया था, है ना, ये आया था U बाई टी इंटू सी, है ना। तो U क्या हो गया, जो एनर्जी आ रहा है, तो 30 मिनट के टाइम स्पैन है, मान लिया कि ये जो है ये टाइम है, तो एनर्जी को मैं लिख सकता हूं इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करने से ये आता है पावर, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करने से आता है एनर्जी, डिवाइडेड बाई टी इंटू सी। तो ये टी और ये टी कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू एरिया बाई सी। तो इंटेंसिटी है ये दिया हुआ है 18 W/cm². अगर मैं उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर दूं, है ना, या यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ, तो कैंसिल हो जाएगा, उसको वैसे ही रहने देते हैं। ये जो एरिया है ये हो गया
20 सेंटीमीटर स्क्वायर और सी की वैल्यू है 3 × 10^8, है ना। तो यहां से ये आ जाएगा 1.8 × 10^-6 न्यूटन, है ना, इतना ये फोर्स आ जाएगा। इसके बाद आते हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल में। दूसरे वाले एग्जाम्पल में कहा गया है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वाट बल्ब एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। एज्यूम 22.5% एफिशिएंसी ऑफ बल्ब एज ए पॉइंट सोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मतलब है हमें ई नॉट निकालना है और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है बी नॉट निकालना है ना। तो देखेंगे कि यहां पर ये पावर दिया हुआ है, हमें पता है कि अगर एक पॉइंट सोर्स है तो यहां से आर डिस्टेंस पर जब इंटेंसिटी निकाला जाता है तो ये आता है डब्ल्यू बाई 4πr². डब्ल्यू दिया गया है 100, 4π और आर यहां से डिस्टेंस है ये 3 मीटर दिया हुआ है, तो ये 3 का स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा 0.022 W/m². ये हो गया इंटेंसिटी, है ना। अब हमें पता है कि ये जो इंटेंसिटी है वेव की वो इसमें से आधी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से और आधी आती है मैग्नेटिक फील्ड के कारण से, है ना। तो अगर मैं ये कहूं कि I/2 मतलब इंटेंसिटी का आधा जो आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ERms² × C। तो इंटेंसिटी तो हमने यहां पर निकाल ही लिया, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और सी कांस्टेंट है, तो ERms की जो वैल्यू है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं यहां से। ERms यहां से आएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा I/C × εo√। I का वैल्यू है 0.022, C का वैल्यू होता है 3 × 10^8 और एप्सिलॉन होता है 8.85 × 10^-12, है ना। ये हो गया इसका रूट, है ना, ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.9 V/m। अगर ये RMS है तो पीक वैल्यू जो आएगा ये आना चाहिए √2 × ERms, यानी √2 × 2.9 V/m। ठीक, अब जिस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हमने उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि जो बी नॉट होता है ये होता है E0/C। ई नॉट की वैल्यू हो गई √2 × 2.9, है ना, या इसमें से हम लोग ये भी कर सकते हैं पहले बी आर एम एस निकाल लेते हैं, है ना, या डायरेक्ट निकाल लेते हैं B0 = E0/C। तो ई नॉट की वैल्यू √2 × 2.9 यह है 3 × 10^8, ये आ गया। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि यह आएगा √2 × 9.6 × 10^-9 Tesla। यह आ गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू।